दोस्तों आपको पता है कि मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ना सुबह से बहुत सारा काम था मेरे को। मेरा दुकान देखिए पूरा सज चुका है, दिखा दीजिए भैया, थोड़ा दुकान दिखा दीजिए। ये देख लो पूरा तवा वगैरह सब है, और मैं लोग को फुल्की खिला दूँ पहले, ये मसाला, ये पचकी फुल्की। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, मीठा 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 मीठा। ये रास्ते में ही मेरे दोस्त लोग रोक लिए हैं, ये वही दोस्त है जिससे मैं क्या करते थे हम लोग लॉकडाउन में बहुत मस्ती किए हैं। अभी तकरीबन मेरे को वहाँ पहुँचने में अभी देखो 11:15 बज रहा है, 11:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँचूँगा। 11:30 बज जाएगा लगभग मेरे को, वैसे लेट हो ही गया है। 11:30 भी हो गया, 11:30 मतलब अभी भी हो गया, ये बोल रहा है 11:30 भी हो गया है, और लोग मेरे को यहीं रुक लिए हैं। आज पता है बहुत दिन के बाद खोला हूँ ना, इसे मेरे रास्ते में रुकवा लिए हैं और आगे भी रुकवाएंगे अभी फिलहाल तो। आप भी खाएंगे भैया जो कैमरा पकड़ा? हाँ भाई, हाँ भाई। देखो जो मोबाइल पकड़े वो भी खाएंगे। और आज बहुत दिन बाद ठेला टेकल रहा हूँ तो हालत गंभीर है भाई। 2 महीने ऐस काटे हैं, 2 महीने मस्ती किए हैं, और मेरे भाई भी, और ये चक्के भी ना एकदम जाम चल रहे हैं क्योंकि 2 महीने से ऐसे ही था ये जो है ना। हे भगवान, खून पी लेते हैं पूरा। अब वहाँ बाइक खड़ी है, वहाँ तक चढ़ना है, ये चक्के पूरे जाम चल रहे हैं। हो, एक आदमी के बस की बात नहीं है ये तो। हालांकि लेट हो गया था इसलिए मैं रास्ते में वीडियो नहीं बनाया, और दुकान मैंने लगा ली, और दुकान लाते ही दोस्तों इतनी गजब की भीड़ हुई, मतलब 1 घंटे तक बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, तकरीबन अच्छे खासी बिक्री हो गई। हालांकि अभी फिलहाल देखिए मैं टिके सेक रहा हूँ, तो अभी तो भीड़ हो गई थी एकदम, तो इसको सेक लेता हूँ। और बरसात का मौसम भी हो रहा है, बट पानी तो अभी नहीं गिरा। हालांकि अब तिरपाल बांधना ही पड़ेगा, हल्की धूप आ रही है बार बार, इतनी पानी पूरी बची है, 1, 2, 3 मतलब एक पन्नी निकल चुकी है, और मसाला छोला ख़त्म हुआ, चाट भी अच्छी खासी बिछ गई। और देखो हल्का सा धूप होता है फिर एकदम छाया हो जाती है। और ये तिरपाल को मैं सोच रहा हूँ बांध दूँ, एक उसमें बांध देता हूँ और एक दूसरा रस्सी हो गाड़ी वगैरह में बांध देता हूँ, अगर गाड़ी परमानेंट यहाँ खड़ी रहेगी तब, नहीं तो एक डंडा लगा के यहाँ से बांध देता हूँ तो काम चल जाता है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, लगभग 2:30 बज गए हैं, और एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ख़त्म, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन भी कर रहा हूँ, जो लोग अभी पानी पूरी खा रहे थे ना शुरू में, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अगर 100-200 पीस अगर मैं फुल्की मंगवा लूँगा घर से तो काफ़ी काम चल जाएगा। अभी 2:30 बज रहे हैं, मतलब 6 बजे तक का टाइम है, 4 बजे तक का टाइम है शायद, तो कैसे करें आप बताओ। फुल्की ख़त्म हो चुकी है और छोला इतना बचा हुआ है, चाट बची है, और पानी भी बरसने लगा। देखो ये देखो पानी भी गिरने लगा है, चाट बनाना है आपका, ये देखो पानी भी गिरने लगा है, क्या ही करिए। टिकिया ही फिलहाल देखो मैं दिखाऊँ आपको, तो देखो चाट की बिक्री कम हुई लेकिन फुल्की की बिक्री भाई। सबसे पहले तो मैं तिरपाल बांध लूँ ये वाला, अब कहाँ बांधना है देखते हैं। तो 3:30 बज गए भाई और सब कुछ ख़त्म हो गया, 3:30 बजे है ना, मात्र 3:30 बजे सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी 6 बजे तक का टाइम है, लेकिन मैं फ़ोन किया भाई नहीं मिला फुल्की, और जब से चाट ही बेच रहा हूँ, मतलब बोलूँ ना तो बहुत ही तगड़ी बिक्री हुई। अब देखो आपको नॉइज़ आ रही होगी गाड़ी घोड़ों की ना, उसके लिए सॉरी। अगर मान लो मेरे पास पहले पानी पूरी होती ना तो 300-400 रुपये की और बेच लेता, और अगर अभी और सामान होता तो 300-400 रुपये की और बेच लेता, मतलब 600-700 रुपये की और बेच ही लेता मैं। ख़त्म हो गया भैया, ख़त्म हो गया। आज पहला दिन था ना तो बहुत भीड़ हुआ था, आज ख़त्म हो गया जल्दी। अब कल बढ़ा के लाऊँगा थोड़ा सा, अब कल बढ़ा के लाऊँगा सोच रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर वापस होते हैं ना और दूसरों की दुकानों में चले जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है यार। तो तिरपाल खोल लेता हूँ मैं, और मौसम भी दबिश दे रहा है, देख सकते हो, देखो पूरे काले बादल हो चुके हैं। अब पता नहीं जब भी ये झरझराए, ये मेरा बढ़िया जुगाड़ है। देखो यहाँ पे एक लकड़ी लगा देता हूँ और एक पन्नी उसमें, मतलब एक रस्सी उसमें लगा देता हूँ, तो ये भाई जुगाड़ बन जाता है। इसको खोल लूँ मैं, अब खुल जाओ सिम सिम। अरे पता है उधर जो दुकानें लगी हैं ना, सामने दिख रहा होगा आपको भीड़ है, तो वहाँ पर पानी पूरी के ठेले 2 लगे हैं शायद, 1 लगा है और उसके पास सामान है। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना उसके पास चले जाते हैं फिर, अब मेरे पास सामान नहीं है तो क्या करोगे। ये लकड़ी ऊपर रख देता हूँ, चलो लगाते हैं स्टूल। वैसे मैं 5 स्टूल लाता हूँ ना, आज 4 ही लाया था, एक घर में यूज़ हो रहा था इसीलिए, तो इसको सरकाना पड़ता है आगे, और स्टूल मैं वहाँ पर रखता हूँ अपने उस जगह पे। और आपको पता है कि आज का व्लॉग ना और आज की रेसिपी दोनों अपलोड कर चुका हूँ मैं, ख़त्म हो गया। आज का व्लॉग और आज की रेसिपी दोनों अपलोड कर चुका हूँ तो, पर उसको ना 1 मिनट पब्लिश नहीं कर पाया, बस समझ लो इतना टाइम नहीं था, क्योंकि आज दुकान लगी थी, पहला दिन था, और मैंने बहुत सारे काम पेंडिंग पे छोड़ दिए थे कि आज करूँगा कल करूँगा, आज करूँगा कल करूँगा। तवा नहीं धोया था चाट वाला, और चूल्हा भी नहीं धोया था जो इसमें मैं चाट बनाता हूँ वो, गैस सिलेंडर में पाइप भी नहीं लगाया था नया वाला, तो फिर मेरे को पुराना ही लाना पड़ा। दिखाऊँ मैं आपको, देखो मैं पुराना वाला ही पाइप लगाया हूँ, बल्कि मेरे भाई ने नया लाया था 2 पाइप और 1 ही लगाया हूँ। और ये जो टब रखा हूँ ना नीचे दोस्तों, जिसमें दोना वगैरह डस्टबिन वगैरह, वो भी भूल गया था हड़बड़ी में। फिर मैंने भाई को दोबारा फ़ोन किया
उसके बाद उससे मैं मंगाया हूँ। और देखो ठेला साफ किया था फिर से गंदा हो गया, मतलब ये तो रोज़ का अब लगा रहना है। और चक्के भी साफ नहीं किया था। तो अभी टाइम मिला है, अभी जाके मैं घर में आज की रेसिपी और आज का ब्लॉग पब्लिश कर देता हूँ। भाई बता रहा हूँ ना, सुबह एकदम ही टाइम था, अपलोड कर दिया। मैं अपलोड बहुत मुश्किल से किया क्योंकि सुबह जब मैं बाजार गया था टमाटर वगैरह लेने, इवन उसका ही ब्लॉग आपको नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था। अपलोड करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा जाता है उसके चक्कर में, और वीडियो एडिट भी नहीं हुआ था उसके चक्कर में, इसलिए अभी तक पब्लिश नहीं कर पाया हूँ। अभी आता हूँ, पब्लिश कस्टमर आए हैं। अब मतलब अगर मैं ठेला यहाँ खड़ा रहूँगा ना तो कस्टमर समझ लो आते ही रहेंगे। और आज मैं झाड़ू भी लाया हूँ, वैसे मैं जाता हूँ ना यहाँ पे तो झाड़ू लगा के जाता हूँ, बट झाड़ू भी भूल गया। अब यहाँ पे जो छिलके वगैरह हैं आलू के छिलके और टमाटर के टुकड़े, इसको अलग करना पड़ेगा। हाँ भैया, बढ़िया ख़त्म हो गया। हाँ जा रहा हूँ घर। अरे पता है ना, पता ही था कि ऐसा भीड़ हो जाएगा। अब ख़त्म हो गया मालिक। पानी कौन सा पानी? हाँ पीने वाला है ना भाई। ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा है। देखो लिटरली मैं बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे खड़े रहूँगा तो कंटिन्यू कस्टमर आते रहेंगे, इसलिए यहाँ से चलते हैं भाई। चलो घर जा रहा हूँ, दुकान ही खोलेंगे आज। कहाँ है ये महाराज? है यहाँ का एक नंबर मंगौड़ी, और वो बनाते हैं कचौड़ी, 15 रुपये पीस कचौड़ी देते हैं, एक नंबर लगता है, सूरजपुर के सबसे फेमस। सही बोल रहा हूँ, आर्डर में है आज इनका बुकिंग, इसीलिए मतलब लॉकडाउन खुला बुकिंग मिल गया। यार हमें चौपाटी, मतलब चौपाटी पहले उस तरफ लगती थी ना नेहरू पार्क के पीछे, अब आ गई है इधर। देखो बस स्टैंड के पीछे पूरी चौपाटी आ चुकी है, बट मैं यहाँ पर नहीं आता क्योंकि मेरी बिक्री उधर ही हो जाती है, और यहाँ आऊँगा तो मान लो उतनी बिक्री होगी नहीं। तो देखिए चौपाटी में एक पानीपुरी का ठेला लगा है, ये समोसा चाट वगैरह सब बनाते हैं, और अभी ज़्यादा ठेला यहाँ नहीं लगते हैं क्योंकि ये ना नई चौपाटी बन गई। मान लो पहले उस तरफ थी, पार्क के सामने थी, लेकिन देखो अभी पूरी जगह खाली पड़ी है। आप देख सकते हो एक ठेला ये लगा है डोसा वाला, एक ये मोमोज का लगा है, और इस तरफ लेफ्ट साइड में दिखाऊँ एक और ठेला लगा है, मतलब गाड़ी लगा है ये फास्ट फूड वाला। तो ये दोस्तों अभी खाली इतने ही ठेले लगे हैं, पूरी जगह खाली है। वैसे जब अगर यहाँ ठेले लगेंगे तो पूरी जगह यहाँ पे पूरी भर जानी है यहाँ से वहाँ तक। तो चलता हूँ घर, समोसा खा लिए दो छोटे छोटे, पेट भर गया। मैं खाने के लिए दही बड़ा मिला नहीं। कैसे भैया आ रहे हैं पीछे? मैं दही बड़ा खाने के लिए, दही बड़ा नहीं मिला, भूख लगने लगी, 4 बज गए। घर में भी रहते थे ना तो भी भूख लगती थी, लेकिन आज तो मेहनत कर दी यार, आज तो ज़्यादा भूख लगनी चाहिए। तो समोसा तो खा लिया, अब है पानी पीने के बारे। भैया पानी पिलाओगे? हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। पानी पिला दीजिए। पानी नहीं, पानी बोलता है 10 रुपये का नया बोतल लेना पड़ेगा। नहीं ना, 15 रुपये का बोतल दीना, खुला होगा तो भाई देना। खुला पानी रखते नहीं हम। अरे यार 15 रुपये का पानी कौन पिएगा बताओ, होटल में ले लो। होटल में? अरे भैया पानी पिलाएंगे एक गिलास है। अरे पता है वो पानी नहीं पिला रहा था, बोलता है बिरयानी खानी पड़ेगी तभी पानी पिलाऊंगा, तो फिर मैं खानी पड़ी और भूख भी लगी थी तो खा ली मैंने। और अभी मैं देखो आ गया हूँ अपने घर पे, जहाँ मैं ठेला सुबह चढ़ा रहा था ना, अभी उसी जगह पे आया हूँ। तो इस तरफ से ना मेरे को फ्रंट में रहना पड़ता है ताकि ठेला में रहना, मतलब पीछे अगर रहूँगा मान लो पकड़ा हुआ है और कहीं बैलेंस बिगड़ गया तो पूरा ठेला चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा ठेला अगर बैलेंस बिगड़ गया मेरा तो पूरा ठेला मेरा इसमें चला जाना है, फिर मैं बैलेंस बना भी नहीं पाऊँगा। इसलिए मेरे देखो ये आज जूते पहने हुए ना तो पूरा पैर अकड़ गया है भाई, और हालत तो बहुत बुरी है आज, क्योंकि इतने दिन जो आराम किया हूँ उसके चक्कर में पैर पूरे कांप रहे हैं। आज इतने दिन बाद मेहनत किया हूँ इसीलिए ठेला ला रहा, आ रहा है मेरे पीछे पीछे से ऑटोमेटिक। अरे देखो तो भाई घर आ गया हूँ, और पानी बरसने के बाद ना यार मिट्टी डलवाई थी हम लोगों ने, फिर भी वैसे ही हालात पूरा इसमें है, पता नहीं है कब टाइट होगी। तो सामान निकाल लेते हैं अपने सबसे पहले, ओह सॉरी प्याज, ये प्याज फेंकना पड़ेगा, ये प्याज फेंकना पड़ेगा। अरे बाप रे गर्मी। और देखो ये कूलर भी हम लोगों जो था ना बाहर रखा हुआ था ठेले पे, मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर यहाँ पे ठेले पे रखा हुआ था, वो ठेला मेरे भाई के पास चला गया, तो यहाँ पे पूरी जगह खाली हो चुकी है अब, तो गर्मी लग रही है भाई। अब चलो चलते हैं कल का सामान लेने, जो किराने का सामान है, कल दुकान लगेगी मटर वगैरह। तो मेरी चप्पल कहाँ गई, ये रही मेरी 50 रुपये की चप्पल। आज जींस पहने ना तो बहुत ज़्यादा एकदम अनकम्फर्टेबल लग रहा है, दिन भर पहले लोअर और चड्डे में रहे, अब एकदम जींस पहन लिया तो अब पता नहीं लोअर और चड्डा कहाँ होगा। गीला है। एक मिनट, हाँ सूखा, इसको पहन लेता हूँ। इतना सब कुछ हो गया, मैंने आपको एक बात नहीं बताई क्या, कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया था ना पानीपुरी लाने के लिए, लेकिन पानीपुरी तो है ही नहीं, देखो ये पापड़ी है और पूरी जगह खाली है। और मेरे भाई का कॉल भी आया था कि उसके पास भी लगभग 3-3:30 बजे के आसपास सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो गाड़ी की चाबी कहाँ गई? हाँ गई यार।
चलो चलते हैं, सामान ले आते हैं किराने का। ए सिरनी, कैसे रे सिरनी? तो देखिए मैं सामान ले आया हूँ, ये रहा, और मैं अपने भाई का दुकान आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरे भाई का दुकान। ये देखिए नत्थू चाट एंड पानीपुरी सेंटर, इसका फ्लैक्स जो है ना बहुत ही बेहतर लगता है मेरे को, मेरे को भी नया बनवाना है ऐसे ही कुछ। और ये स्टील का ठेला है पूरा इसका, मेरा स्टील का ठेला नहीं है, देखो ये पूरे लिखवाए थे रेडियो वगैरह से। ख़त्म, इसका भी सब सामान ख़त्म हो गया, बता रहा हूँ ना आज मस्त एक नंबर तकड़ी बिक्री थी, इसका भी ख़त्म हो गया लगभग। पूरे स्टील का ठेला बनवाया था ये मैंने, तकरीबन इसमें 97 किलो स्टील है, हाँ लगभग 97 किलो ही स्टील है, और इसमें सिर्फ 3700 रुपये की स्टील लगी थी। लेकिन ये एक फ़ायदा है कि स्टील कभी ख़राब नहीं होगी, सिर्फ ये ख़राब होगा ना तो इसको कभी भी अपन चेंज करवा लेंगे। तो सामान ले आया हूँ, हम सोच रहा हूँ कि टमाटर वगैरह मिर्ची वगैरह वो भी ले आऊँ, क्योंकि आज ना मैं आज सुबह लेने गया था बट उसका वीडियो नहीं बना पाया, बताया कि बहुत ज़्यादा बिजी था मैं इसीलिए, तो आज मैं अभी ले आता हूँ, तो सुबह जल्दी दुकान निकाल लूँगा, सबसे बेहतर आइडिया। तो चलो अदरक बच गया है, अदरक ले लेते हैं 10 रुपये का, और रोज़ 10 रुपये का सामान लेता हूँ मैं, 10 रुपये का अदरक और 10 रुपये का लहसुन, क्योंकि रोज़ आना है तो रोज़ ही ले लेता हूँ, और 10 रुपये का लहसुन ले लेता हूँ। तो बाकी सामान ले लिया, 3 किलो टमाटर हो गए, अदरक लहसुन और धनिया पत्ती। तो भाई हो गया सामान, टांग देते हैं इसमें, गिरेगी तो नहीं? हाँ लगभग नहीं गिरेगी। तो अभी मैं अपनी दीदी के यहाँ गया हूँ, और देखो मेरा भाई अपना सामान ले जा रहा है। तो देखिए सामान लेके जो मेरा भाई जा रहा है, मतलब ठेले का पूरा सामान यहीं पर रहता है, देखो टंकी मसाला और मटर और पानी पूरी अलग से आती है, ये नए वाले घर से मेरे, और बाकी देखो ठेला यहाँ पर खड़ा है, और एक मेरा जीजा का भी ठेला इधर खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो ये वाला, और इस ठेले में पूरा सामान उधर वो ले जाता है। तो अभी मैं मार्केट में आया था, और एक फोटो स्टूडियो में आया हूँ, नीरज आया है, कुछ काम था इसको। और पता है खुशखबरी है कि मार्केट ना 8 बजे तक हो गया है, लेकिन मेरे लिए बुरी खबर है, क्योंकि मैं 5-6 बजे तक दुकान ही लगाता हूँ 4 बजे तक। तो मैं ये सोचता था कि 6 बजे तक मार्केट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे तक मार्केट रहेगा तो लोग जल्दी आएंगे और जल्दी खा पी के निकल जाएंगे, तो मेरी बिक्री जल्दी हो जाएगी। लेकिन खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचना सही है, ऐसे बोलते हैं लोग, बट नहीं पता। देखो अभी 7:30 बज चुके हैं और दुकान खुली है, और चौपाटी दोस्तों रात को लगती थी, तो चौपाटी रात को लगती थी, इसी चक्कर में उन लोगों का ठीक हो गया। अब उन लोग 6 बजे, मतलब 6 बजे यार अभी तो दिन भी नहीं गुजरता, मतलब दिन अंधेरा भी नहीं होता, इसी चक्कर में, मतलब पहला दिन जो 11 तारीख को लॉकडाउन खुला था ना, उसी दिन 6 बजे तक का टाइम था, और आज 8 बजे तक का हो गया। मैं पूछता हूँ भैया से कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 8 बजे तक टाइम मिल गया, नहीं 2 महीने बाद मार्केट खुला है, लेकिन 8 बजे तक का टाइम हो गया वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ 6 बजे तक का था कि 6 बजे तक तो पूरा रोशनी रहा करता था, हाँ। कोई मतलब नहीं है। हो गया भाई तेरा, इसका काम करवाना है, बैठा यहाँ पे, तुम दोनों तो ऐसा करते जैसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं दोनों का, बताओ भला। देखो बाकी सभी ठेले जा चुके हैं, बट महाराज जो है ना मिश्रा जी, ये भी यहीं पे हैं, क्योंकि इनका सामान बचा हुआ था, और इनको जैसे पता चला कि 8 बजे तक हो गया है, भाई 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 भारी खुश हो गए, ये तो अभी सामान बचा हुआ है, बस लगभग जाने वाले ही हैं। चल ना भाई, घर में फुल्की बनाना है, देख रहे हो 8 बज गया, पता नहीं किसका फोटो निकलवा रहा है, चल चलेगा, चल मैं जाऊँ भाई, अभी घर आ चुका हूँ, और देखो अभी लई यहाँ पे तोड़ रही है मेरी मम्मी लोग, ये देखिए लई तोड़ रहा है, चलिए मैं भी तोड़ लेता हूँ भाई, तोड़ रहे बाबूलाल, तोड़। तो भाई खाना वगैरह खा लिया है, और दोस्तों ना कभी कभार आप लेट हो जाया करेगा रेसिपी चैनल में भी, और इसमें भी डेली लाइफस्टाइल व्लॉग में भी, कभी कभार आपको वीडियो ना थोड़ी सी कभी मान लो 11 बजे कभी 12 बजे देखने को मिलेगी, तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आपको ये मेरा पानीपुरी वाला ठेला वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो सरू, ये देखो ये यहीं पे सोएगा, आप घर की रखवाली करेगा, ठेले वगैरह रखवाली करेगा, खुला एरिया है ना तो चोरी का थोड़ा डर रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।